सरकार के नए गाइडलाइन के मुताबिक बाबा मंदिर को पूर्णतया बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मंदिर पर निर्भर दुकानदारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पहले लॉकडाउन की मार ने अभी व्यवसाय उबर भी नहीं पाए थे कि दूसरे लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है। हालात ये है कि दुकानदार एक तरफ महाजनों के कर्ज दुकानों के किराए से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट इस कदर हावी है कि दुकानदार 2 जून की रोटी के लिए भी परेशान हैं। जितनी जमा पूंजी थी वह दुकानदार घर बैठकर खा चुके हैं। ऐसे में आज बाबा मंदिर के मुख्य गेट पर दुकानदारों ने सरकार से अपनी गुहार लगाई है। इनकी मांग है कि सरकार इनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। उनका समर्थन कर रहे हैं। और रही बात कि यहाँ मंदिर क्षेत्र के जितने दुकानदार हैं सब दुकानें बंद है, और सरकार का इस विपत्ति में हम लोग सरकार का समर्थन है। मैं सरकार से हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का दुकान बंद है उसके लिए कोई आर्थिक पैकेज हम लोग को सभी दुकानदार को दिया जाए, क्योंकि पिछला बेर जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग सब पूरी तरह टूट चुके और इस लॉकडाउन हम लोग को पूरी तरह बर्बाद एकदम आर्थिक मानसिक गुलामी की ओर ले गया है। हम लोग पूरी तरह मानसिक रूप से टॉर्चर है। इसे सरकार से निवेदन है कुछ हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका, पद क्या है आपका? सुभाष गुप्ता। पद क्या है? अध्यक्ष बाबा मंदिर क्षेत्र खुदरा दुकानदार संघ। अभी द्वितीय लहर जो कोरोना चल रहा है ये सब लोग जान रहे हैं, और हम लोग जो बाबा मंदिर क्षेत्र से रिलेटेड दुकानदार हैं, आज पूरी रूप से जो है हम लोग लॉकडाउन का और सरकार द्वारा जो निर्देशित लॉकडाउन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग चूँकि इस पैनिक सिचुएशन में सरकार के साथ और बंद का पूर्णतः समर्थन भी कर रहे हैं, परंतु आखिर में हमारी पेट की भूख जो है वो कैसे शांत हुई। पिछले 14 महीना हम लोग किसी तरह से मान लीजिए इसका जो है निवारण किए, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं कोई तरह का सहयोग नहीं हुआ। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है और हर चीज़ का बर्दाश्त करने का एक दायरा होता है। हम लोगों का जो है सब्र का बांध टूट चुका है, हम लोग अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है, जिस तरह हम लोग सरकार की हर बातों का हर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो हमें भी देखें, क्योंकि हमारा एकमात्र जरिया जो है बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ही हैं, और चूँकि श्रद्धालु का आवागमन मंदिर बंद होने के कारण पूर्णतया बाधित है, तो हमें भी कुछ मुआवजा दे, कुछ आर्थिक पैकेज दे, जिससे हम हमारे घर के बच्चे बड़े बुजुर्ग का भरण पोषण कर सकें, बस यही हमारी मांग है। राज्य में कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बीच लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। ऐसे में राज्य में रोजगार को लेकर भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में कोरोना की लड़ाई के साथ साथ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत रखना भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।